अब हम नेक्स्ट करेंगे बैराट सभ्यता। तो बैराट सभ्यता जो है वह जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा। तो ये जो कस्बा है बैराट, ये हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो देखिए बैराट कस्बा जो है, यहाँ पर हमें पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो बैराट कस्बा है ये हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। जिला जो है वह जयपुर है। बैराट जो कस्बा जो है वह कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, तो बैराट सभ्यता कहाँ की है? जयपुर जिले की है। नदी जो है वह बाण गंगा है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी जो है वह आपको नहीं जाननी है, क्योंकि वह आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। एग्जाम में आने वाली है कि बैराट सभ्यता जो है वह किस जिले में? जयपुर जिले में, नदी बाण गंगा। बैराट महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि महाभारत में इसका उल्लेख जो है, बैराट का उल्लेख जो है वह मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ था। कई बार एग्जाम में ये चीज जो है वो आपकी पूछी भी गई है कि महाभारत में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ? तो याद रखना है बैराट सभ्यता का। ठीक है, यहां पर देखिए पांडव जो थे इन्होंने अज्ञातवास के अंतिम दिन बिताए थे। ठीक है, अब आते हैं हम खोजकर्ता। तो खोजकर्ता कौन है? 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख खोजा। तो देखिए कैप्टन बर्ट ने 1837 में बैराट में भाब्रू शिलालेख की खोज की। ठीक है, भाब्रू या बैराट शिलालेख इसकी खोज की, जो कि वर्तमान में कहाँ है? कोलकाता में है। तो खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट। उत्खननकर्ता जिन्होंने खुदाई का कार्य किया वह देखिए 1936 से 37 में दयाराम साहनी और 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित। दोनों ही नाम याद रखने हैं, यहाँ पर समझाने का कुछ भी नहीं है, आप लोगों को ये फैक्ट जो है वो बिल्कुल रटने ही होंगे। 1936 से 37 में दयाराम साहनी और 1962 से 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। चीनी यात्री वेन सांग ने 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा बौद्ध मठों की पुष्टि हेतु की। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैराट की यात्रा जो है किस चीनी यात्री ने की थी? वेन सांग ने की थी। कब की थी? 634 ईस्वी में। वो क्यों आया था? वह बौद्ध मठों की पुष्टि हेतु आया था। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, तो ये पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी कहाँ है? बैराट में। एकमात्र सभ्यता जहां से मंदिर के अवशेष मिले। तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा मंदिर के अवशेष कहाँ मिले, ठीक है, लेकिन बैराट सभ्यता में मिले हमें मंदिर के अवशेष। तो यह एकमात्र सभ्यता कही जाती है जहां से हमें मंदिर के अवशेष मिले। तो मेरे साथ में ही आप लोग बोलिए कि हमें मंदिर के अवशेष जो है वह बैराट सभ्यता से मिले। पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष जो है वह प्राप्त हुए। तो देखिए यह सभ्यता जो है, यह मैंने आपको बताया कि हर युग में संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ पर पाषाण काल से लेकर और मौर्य काल तक के अवशेष मिलते हैं। समय समय पर यहाँ पर जब भी खुदाई का कार्य किया गया तो यहाँ पर अवशेष जो है वह मिले। मौर्य काल में बैराट जो है वो प्रमुख केंद्र रहा। ठीक है, मौर्य काल में प्रमुख केंद्र क्या रहा? बैराट। यहां से हमें देखिए अशोक के दो स्तंभ लेख, भाबरू और बैराट शिलालेख, ठीक है, और बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल में यह एक प्रमुख केंद्र रहा। शैल चित्रकला के अवशेष व पत्थरों के औजार मिले हैं। तो इसीलिए पता लगता है कि पाषाण काल में भी हमें यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। शैल चित्रकला के अवशेष और पत्थरों के औजार जो है वह बैराट सभ्यता में मिलते हैं। पांडवों ने बैराट में अज्ञातवास बिताया था। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि महाभारत में बैराट सभ्यता जो है यह मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन बिताए थे। ठीक है, और अज्ञातवास का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह रहना जहां पर आपको कोई जानता ना हो। ठीक है, ऐसी जगह वास करना जहां पर आप अज्ञात हो, आपको कोई जानता ना हो। अशोक के दो स्तंभ, भाबरू और बैराट शिलालेख
हमें बैराट सभ्यता से मिलते हैं, बैराट स्थल से मिलते हैं। बैराट से कपड़े की एक पोटली मिली है जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 हिंद यवन शासक, यानी 28 जो है वो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता है जहां से हमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क की और 28 हिंद यवन शासक की मिली हैं। याद रखना है बैराट स्थल। इसके अलावा यहां पर हमें 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की मिली हैं। ठीक है, अकेले 16 मुद्राएं जो हैं वह तो मिनांडर जो है जो कि हिंद यवन शासक है उनकी मिली हैं। अकबर ने यहां पर बैराट में टकसाल खोली थी। तो हर युग में इस सभ्यता की विशिष्टता रही है, महत्वपूर्ण रहा है यह स्थान। तो अकबर ने भी यहां पर टकसाल खोली थी बैराट में। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न बने हुए हैं। तो यहां पर जो मिट्टी के बर्तन बने हैं, एक तो वो अलंकृत घड़े मिले हैं जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है और त्रिरत्न बना हुआ था। नाश्ता पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हाथ से बना वस्त्र हमें कहां से मिला है? बैराट सभ्यता से मिला है, बैराट स्थल से मिला है। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।